नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी इवनिंग की क्लास में। काफी समय के बाद क्लास हो रही है, तो आपके कमेंट के लिए मैं अपना फोन भी यूज कर रहा हूँ और एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि मुझे भी पता चल जाए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और एक बार, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अमर उपाध्याय, नीलू है, ठीक है, बहुत बढ़िया, रिद्धि, राधा जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो भाई आप सब लोग एक बार बता दीजिए कि वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। हाँ बता दीजिए एक बार आप जल्दी से कि क्लियर आ रही है वीडियो और वॉइस, क्योंकि मैं भी अपनी क्लास आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। बस एक मिनट। तो हाँ, तो वीडियो स्टार्ट हो गई है, मैं आपके कमेंट देख सकता हूँ अभी। बिल्कुल, नीलो आ रही है, रोएज, ओके ठीक है, क्रांति कुमार कमल बिहार से, हिमानी जी भी पहुंच चुके हैं। चलो तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ क्लास बेसिक इंट्रो के साथ कि आपका अपना यूट्यूब चैनल हेलो टीचर्स आपको मिलता है, जहाँ पर मेरी क्लास चल रही है। हेलो टीचर्स इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी का एक हिस्सा, एक भाग हमें मिलता है। और अन अकेडमी के एप्लीकेशन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं महेंद्र सिंह मेहरा के नाम से। फॉलो करने के बाद ही कब ला रहे हैं अविनाश भाई, प्लस में जो सीटेट का कोर्स चल रहा है वो आने वाले, मतलब कह सकते हैं कि दिसंबर के जो फर्स्ट वीक होगा, पहली से 10वीं दिसंबर के बीच में आपको मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि जनवरी में हमारे पास रहेगा पेपर, 31 जनवरी, तो पूरा का पूरा कर अप्रोक्सीमेट 40 to 45 days का EVS का जो करिकुलम रहेगा वो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि भाई जिनको प्लस लेना है वो जल्दी से जल्दी कोड यूज करिए, मेरा SP मेहरा या फिर महेंद्र कोड। और यहाँ पर आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस। क्या है अनलिमिटेड एक्सेस में? तो ये उन लोगों के लिए है जो प्लस क्लासेस पेड क्लासेस में आना चाहते हैं। जब पेड क्लास में आप आते हैं तो अक्सर आप देखते हैं अलग अलग जितने भी चैनल हैं, जो भी प्लस क्लास में लेते हैं, वो सीटेट, यूपीटेट, सबका पर्टिकुलर इंडिविजुअल बैच क्या करते हैं, वो सेल करते हैं कि सीटेट इतने में मिलेगा आपको, यूपीटेट इतने में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर आप एक बार प्लस क्लासेस पर एंट्री करते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, कोई बैच का नहीं होता। सब्सक्रिप्शन टाइम पीरियड का होता है कि आने वाले 1 साल में जितने भी बैच बनेंगे वो सब आप देख पाएंगे। तो ये काफी बेहतर और काफी बेनिफिशियल है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ प्लस में जा रहा है, आप फ्री में क्लासेस देख सकते हैं, यूट्यूब क्लासेस फ्री हैं, और एप्लीकेशन में आप पैसा खर्च करने से पहले देख सकते हैं कि एप्लीकेशन में जो फ्री क्लास हमें मिलती है उनको कहा जाता है स्पेशल क्लास। तो उस स्पेशल क्लास में क्या आपका एक्सपीरियंस रहता है भाई, कम्युनिकेशन की गैप रहता है या फिर मेरे कमेंट शो नहीं होते या फिर कुछ और, तो वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ताकि आप प्लस में जल्द ही कन्वर्ट हो जाएं। कुछ नए कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो सीटेट की बात तो चल ही रही है, तो मैंने ये आपको बता ही दिया है कि दिसंबर फर्स्ट वीक का हम प्लान लेकर के आ रहे हैं कि दिसंबर फर्स्ट वीक से पूरा का पूरा एक, ठीक है, पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, एक हमें बैच मिल जाएगा। ठीक, चलो तब आगे देखते हैं अनअकैडमी का एप्लीकेशन एडवांटेज क्या मिलता है हमें। तो शेड्यूल्ड पहले से फिक्स्ड मिलता है, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि रैंडमली शेड्यूल हो जाता है। कल सुबह 10 बजे की क्लास मुझे लगानी है तो मुझे आज रात को ये क्लास शेड्यूल करनी पड़ेगी। लैंग्वेज बैरियर नहीं है भाई, आपको हिंदी इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन उन लोगों का क्या जो तमिल, तेलुगु, सिंधी या गुरुमुखी में पढ़ते हैं, तो उनका ये कि वो लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में अपने मातृभाषा के टीचर से चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो डाउनलोडिंग का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है आपको, और जिन लोगों को भी
प्लस या पेड बैच लेना है उनको कहना चाहूंगा। महेंद्र कोड यूज करेंगे 10% डिस्काउंट के लिए। उसके बाद आप कॉइन्स का इस्तेमाल करिएगा 10% डिस्काउंट के लिए। और अगर आप बैंक ईएमआई का यूज करते हैं तो नो कॉस्ट ईएमआई का डिस्काउंट भी आपको मिलता है ये, ठीक है। चलिए चलिए, बिल्कुल ओके। अंजुम जी हेलो, हाँ अगला पॉइंट देखते हैं हम आपको। तो अनएकेडमी प्लस में आपको क्या मिलता है? अनएकेडमी प्लस में एडुकेटर से रियल टाइम इंटरेक्शन मिलता है, डाउट क्लियर है, लाइव पोल है, साथ ही साथ क्विजेस और सीसीई भी आप देखते हैं। पीडीएफ डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी वहां पर अवेलेबल है। और आज क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें अनुशासित रहना चाहिए। अक्सर हम इस छोटे से शब्द का मतलब और इस छोटे से शब्द को अपने जीवन में उतारना भूल जाते हैं, ठीक। तो ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं। और जब हम अनुशासित नहीं रहेंगे तब हम अपना ध्यान फोकस नहीं कर पाते, और जब हम फोकस्ड नहीं होते हैं तब हम क्या करते हैं? तब हम भटक जाते हैं और लक्ष्य और उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसलिए यहाँ पर सिंपल सीधा सा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि अनुशासन ही हमें मिलता है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर लेकर के चलता है। आपने अपने पढ़ने का टाइम शेड्यूल फिक्स किया है, आपने चैट करने का टाइम शेड्यूल फिक्स किया है, तो उन दोनों को जब आप मिक्स कर दोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बेहतर यही रहेगा कि पढ़ाई के समय पढ़ाई और बातों के समय बातें और चैट के समय चैट किया जाए, ठीक है। तो अनुशासन बिल्कुल सही बोला है, लक्ष्य और उपलब्धियों के बीच का एक पुल है। और आज हम क्या करने वाले हैं? तो हम करने वाले हैं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नंबर 7। तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन की सीरीज 7 चल रही है। इससे पहले मैं 6 आउट ऑफ द बॉक्स करवा चुका हूं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर सबसे पहला पॉइंट। उम्मीद है ये प्रश्न आप पहले भी कई बार देख चुके हैं, लेकिन कई बार देखने के बावजूद देखते हैं यहां पर कौन कितना सही करता है। और सेशन को फटाफट अपने दोस्तों में आप शेयर कर दीजिए। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? इन विच लेवल ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज द एटमॉस्फेयर लोकेटेड? तो आंसर बिल्कुल कौन से बोला गया है यहाँ पर? यहाँ उपग्रहों की बात नहीं की गई है, बल्कि यहाँ पर संचार उपग्रहों की बात की गई है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बात की गई है, ठीक है। तो जब हम संचार उपग्रहों की बात करते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करते हैं, तो आंसर क्या मिलता है हमें? बिल्कुल पहले का आंसर मिल जाता है हमें, सी सही जवाब यहाँ पर मिल रहा है हमें। बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर है सी, आयनमंडल। आयनमंडल जिसका एक और नाम दिया जाता है और इसे तापमंडल थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है, ठीक है अंजुम जी। बिल्कुल अमरीन, नीलू भाई, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए ये रहा हमारे यहाँ पर, तो पृथ्वी का धरातल ये हमारे पास मिल जाता है। सबसे नीचे वाली परत सौरमंडल, उसके ऊपर की परत स्ट्रेटोस्फीयर, उसी में ही ओजोन परत भी उपस्थित है, तो इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं। मीसोस्फीयर सबसे ठंडी परत होती है ये हमारे वायुमंडल की। फिर थर्मोस्फीयर या जिसको क्या बोला गया था, आयनोस्फीयर बोला गया था। थर्मोस्फीयर या फिर आयनोस्फीयर की हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। चलो इसी आयनोस्फीयर में क्या मिलता है हमें? सैटेलाइट्स मिल जाते हैं, और ये है सबसे बाहर का एक्सोस्फीयर, क्लियर। अब यहाँ क्योंकि सैटेलाइट है तो इसलिए यहीं से ही ध्यान रख लेना कि यहां से रेडियो तरंगों का
परावर्तन होता है। रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस या रिफ्लेक्ट बाय दी दिस लेयर। ठीक ओके नीलवी, चलिए कोई नहीं है। हाँ अगला पॉइंट हम देख लेते हैं क्या इसके बाद होने वाला है। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% विद्यमान रहता है? तो बताइए आंसर क्या होगा। वायुमंडल का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर हमारे पूरे वायुमंडल का 90% विद्यमान रहता है। 90% पार्ट क्या रहता है, ये उपस्थित रहता है जलवाष्प का 90% भाग। और एक और पॉइंट यहां ध्यान रख लेना, क्या ये ध्यान रख लेना कि जो भी हमारी लेयर है, चलिए आंसर में देख लेता हूं, वो है भी शोभ मंडल का लगभग 4% भाग जलवाष्प का बना हुआ है। ये चीज ध्यान रख लेना कि शोभ मंडल का लगभग बता रहा हूं, क्योंकि हम 4% लेते हैं, ये 4 से 5 भी आपको मिल जाता है, 4 to 5%। तो 4 से 5% भाग किसका बना हुआ मिल जाता है हमें, ये जल वाष्प का मिलता है। ये शोभ मंडल की बात चल रही है केवल। ठीक बिल्कुल मंतोष भाई, नमस्कार नमस्कार और नमस्कार। ठीक है मोहिनी जी भी आ चुकी हैं। ए ऑप्शन बता दीजिए सर। आयन मंडल के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अभी अभी बात तो हुई थी, आयन मंडल को बहुत सारी किताबों में ताप मंडल भी कहा जाता है। आयन मंडल की क्वालिटी ये होती है कि यहाँ पर आयनीकृत गैसें मिलती हैं हमें, आयोनाइज्ड गैसें मिल जाती हैं, आयनीकृत गैसें, और आयन मंडल रेडियो तरंगों को क्या कर देता है, परावर्तित भी कर देता है। ठीक है तो ये चीज याद रखते हुए चलना। LGG पता चल गया, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने आयन मंडल के ही बारे में ही बताया था। ये देखो, ये हमारे पास पूरा का पूरा वाटर साइकिल मिल जाता है, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे थे, जलवाष्प की हम बात कर रहे थे। तो जलवाष्प सागरों से ऊपर की ओर, पेड़ पौधों से, नदियों से, ग्लेशियर से, सबसे नीचे से ऊपर की ओर उठती है, और ऊपर क्या बनाती है, ये बादल बनाने का काम करती है ऊपर। ठीक है और वही बादल कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद जब भारी हो जाते हैं तो ये वहां पर बरस पड़ते हैं। तो ये जलवाष्प में मिलती है। जलवाष्प का काम क्या है, तो ये चीज ध्यान रख लो, जलवाष्प का कार्य क्या है, एक तो जल चक्र में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक तो जलमंडल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दूसरा काम इसका कि ये हमारी पृथ्वी का तापमान नियमित करती है। इट रेगुलेट द अर्थ टेम्परेचर। क्या बताया मैंने, इट रेगुलेट द अर्थ टेम्परेचर, पृथ्वी के तापमान को रेगुलेट करने का काम करता है हमारा जल वाष्प। ठीक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ नीलू आर्या जी आप भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। हाँ टेट एग्जाम बायलैंगुअल होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अंजुम जी आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर झारखंड टेट के पेपर बायलैंगुअल आता है। हाँ जितने भी टेट एग्जाम होते हैं वो बायलैंगुअल ही मिलते हैं। अगला पॉइंट, वायु दाब में अचानक कमी आ गई, बताओ भैया तब किसका सूचक होगा ये? ओके हिमानी जी इंग्लिश में ही बोलना है, मतलब कभी लिखने की बात आती है कभी बोलने की बात आती है, फिर तो हम यही कहेंगे कि बड़ी मुश्किल है। आगे खोया मेरा चलो खोया वोया कुछ नहीं है, बस हम यही बात करेंगे कि बड़ी मुश्किल है भाई। अगला पॉइंट, वायु दाब में अचानक कमी आ गई है, तो आंसर क्या मिलता है आपको? आंसर मिलता है मौसम तूफानी हो जाएगा। क्या मिलेगा, आओ कुछ तूफानी करते हैं। ठीक है जब आपने ये देखा कि आओ
कुछ तूफानी करते हैं कि जब यहाँ पर बात कर रही है तो आप देखो कि वायुदाब में अचानक कमी आ गई। कैसे याद करोगे? तूफानी करने में थम्सअप का ढक्कन खोला और उसके अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया, तो अचानक कमी आ गई। याद रख लेना, उम्मीद है याद अब तो रह जाएगा, उम्मीद है अब तो रह जाएगा कि थम्सअप का अचानक से ढक्कन खोला और उसके अंदर का प्रेशर कम हो गया। ठीक है, ठीक। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो अगला पॉइंट, हवाई जहाज प्राय किसमें उड़ते हैं? जहां उड़ाना चाहो वहां उड़ जाते हैं। आप इसमें क्या बोले, कहाँ उड़ते हैं कहाँ नहीं उड़ते हैं? ठीक, अब क्या बोले, कहाँ उड़ते हैं कहाँ नहीं उड़ते हैं? देखते हैं फिर भी आप क्या इसका आंसर बताते हैं। चलो हम देखते हैं फिर भी आप क्या इसका आंसर बताते हैं। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका आंसर देखेंगे। वायुदाब उड़ते हैं कौन से मंडल में? तो बिल्कुल समताप मंडल में। मुझे उम्मीद थी कि कुछ लोग गड़बड़ करके सी भी बताएंगे। ए कौन बता रहा है? ये लाइन से, अच्छा मंतोषी बार बार रिपीटेशन में चल रहे हैं। अरे भैया मंतोष जी और झा जी ने बता दिया है डी। चलिए भाई बहुत बढ़िया, मनीषा ने ए बता रहे, मनीष कुमार ये बता रहे हैं। एल जी तो हंस रहे हैं, डी आंसर है, ए कौन बता रहा है? क्या बताया था मैंने आपको? मैंने आपको सिंपल सीधा ये बताया था कि जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि प्रेशर क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, अब ये प्लेन बोर्ड काट देना, ये कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, चौथा जो है आपका प्रश्न, उसमें प्लेन बोर्ड कुछ भी नहीं है, समताप को इसने समताप मतलब प्लेन कर दिया है। उसको मैं खुद ही यहां से हटा देता हूं। चलो तो अब समताप हो गया यहां पर, तो इसलिए अब, लेकिन अगर आपसे पूछे, मैंने पहले भी बताया है हेलीकॉप्टर, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हेली कॉप्टर ये कौन से मंडल में उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर कौन से मंडल में उड़ते हैं? चलिए बताइए जरा हेलीकॉप्टर का मंडल कौन सा होगा? मैं आपके कमेंट देख रहा हूं यहाँ पर। चलो बढ़िया पॉइंट, अगला बताइए हेलीकॉप्टर का मंडल कौन सा हो जाएगा? स्नो मंडल। ओहो, हेलीकॉप्टर जब उड़ने की बात कही जाएगी तो हेलीकॉप्टर का मंडल आपको मिल जाता है शोभ मंडल, हेलीकॉप्टर ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये पॉज नहीं आएगा, ये स्फेयर, अच्छा ट्रोपोस्फेयर, बिल्कुल ठीक है, ट्रोपोस्फेयर आएगा जब हेलीकॉप्टर की हम बात करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा तब? ट्रोपोस्फेयर आ जाएगा। ठीक, चलो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ चुका है एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फेयर और हेलीकॉप्टर जिसके ऊपर पंखुड़ी लगी हुई है, नीचे इस तरीके से घूम रहा है, पीछे पूंछ भी है, तो उस हेलीकॉप्टर की हम बात करेंगे अगर, ठीक, तो वो हेलीकॉप्टर नीचे ट्रोपोस्फेयर में उड़ता हुआ दिखाई देगा हमें। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो मैं आपके कमेंट भी देख रहा हूं। चलो जी आंसर बताएंगे क्या होगा यहां पर। वायु प्रदूषण का कारण कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल ठीक है, वायु प्रदूषण नहीं होता किससे? जल विद्युत से नहीं होता, पराकण पोलराइजेशन से होता है, डीजल इंजन से होता है, ताप विद्युत का मतलब होता है क्या हम कर रहे हैं, कोयला जला करके विद्युत का उत्पादन, और जब कोयला जलाकर विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है तो क्या होगा, तब भी
भी धुआं या वायु प्रदूषण होगा। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका मिल रहा है, पांचवी का सही आंसर है सी। देखिए ये ताप विद्युत है, ये रिजर्वर बोला जाता है इसको, ये कोई भी बांध हमें अगर मिलता है, ठीक, ये बांध हमें मिल रहा है तो उस बांध का ये पूरा बड़ा इलाका रिजर्वर कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर बोर्ड दिखाया गया है रिजर्वर, ठीक, ये इनटेक है, यहाँ से वाटर फ्लो होता है तेजी से, नीचे टरबाइन घूमते हैं, टरबाइन घूमने से बिजली का उत्पादन होता है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा लार्ज करके दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए। रिजर्वर, वाटर फ्लो चल रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी इस तरीके से बहता हुआ आएगा, जनरेटर के नीचे टरबाइन वो घूमेंगे, और ऊपर जनरेटर के चलने की वजह से क्या हो जाएगा, बिजली का उत्पादन किया जाएगा या होगा। ठीक, तो ये उम्मीद है सबको देख करके नाव चलाने का मन तो जरूरी किया होगा। अगला पॉइंट है और बताइए इसका आंसर क्या होगा। वॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन में क्या रिलेशन है? वैसे पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन का मतलब किसी भी प्रकार का प्रदूषण, और एयर पोल्यूशन का मतलब कि हवा का, वायु का प्रदूषण, पोलिनेशन। अच्छा, पोलिनाइजेशन क्या होता है? आप देखते हो परागण, जब आपने बहुत बार देखा होगा एक फूल होता है जिसके चारों छोटे छोटे बाल से लगे होते हैं, और उस फूल को थोड़ा सा इस तरीके से हिलाओ तो उसमें वो बाल हवा में उड़ने लगते हैं, वो पॉलिनाइजेशन होता है। ऐसी ही सभी प्रकार के फूलों में पराग के छोटे छोटे कण होते हैं जो कीड़ों के द्वारा, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ठीक, क्लियर हिमानी जी? उम्मीद है क्लियर हो गया कि पॉलिनाइजेशन से कैसे प्रदूषण फैलता है। बताइए जल्दी से, मैं आपका कमेंट ही देख रहा हूँ। कुदानकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? आप मुझे बाकी राज्यों में मिलने वाले परमाणु संयंत्र के बारे में भी बताएंगे क्या होगा यहाँ पर। कुदानकुलम तमिलनाडु में मिल जाता है, ठीक है, कर्नाटक में जो मिलता है उसको नाम दिया गया है कैगा। इन दोनों में कोई नहीं मिलते हैं, तमिलनाडु में ही एक और मिलता है जिसको नाम दिया गया है कल्पक्कम। ठीक, कुदानकुलम कल्पक्कम। इसके अलावा आपको मिल जाता है नरोरा, आपको मिल जाता है तारापुर, आपको मिलता है रावत भाटा, ठीक, आपको मिल जाता है काकरा पारा। सभी लोग क्या मुझे राज्यों के नाम बता पाओगे? कमेंट, हाँ मैंने अंजलि, बिल्कुल मैंने देख लिया। तो आपका, देखो अंजलि ये चीज ध्यान रखना, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हमें मिल जाती है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये चीज ध्यान रख लेना कि क्वालिफिकेशन एज एनी स्ट्रीम लिखा हुआ मिल जाता है उसमें, ठीक। और आपको क्या करना होता है, आपको वहां पर जो पेपर आता है वो जीएस बेस्ड आता है, तो जीएस बेस्ड पेपर में ध्यान रखना। और इसके अलावा कितनी वैकेंसीज हैं, उम्र यूपी में नॉर्मली 40 साल उम्र मिलती है, पटवारी के आपने पूछा था शायद, तो 40 साल की उम्र तक हमें मिल जाता है ये, ठीक है अंजलि। तो अब इसको ऑल डिटेल में हम तब जानते हैं जब पेपर का नोटिफिकेशन आता है। तैयारी के लिए आप फिलहाल ये मान के चलिए कि आपकी जीएस और स्पेशली यूपी की जीएस अच्छी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। चलो भैया, करते ही रहते हैं। नरोरा मिल जाता है यूपी में, तारापुर मिल जाता है महाराष्ट्र में, रावत भाटा राजस्थान में, काकरा पारा गुजरात में आपको मिलता है। तो उम्मीद है ये सारे के सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी यहाँ पर। प्रिया सिंह जी, राधे राधे। अगला पॉइंट हम अब देखेंगे, कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? बताइए क्या होगा, भूमध्य रेखा के सबसे पास कौन सा स्थित होगा, भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास कौन सा स्थान मिलेगा हमें? चलो, तो इस चीज को देखने के लिए, इसको पढ़ने के लिए आपको क्या देखना है, आपको भारत का मैप देखना है इस तरीके से, ठीक, आपको भारत का
मैप देखना है। अब देखो यहाँ पर रामेश्वरम, यहाँ पर रामेश्वरम पड़ जाता है, केप कैमोरिन उसके थोड़ा और नीचे, केप कैमोरिन हमें मिल जाता है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल नॉर्थ में मिल जाता है इंदिरा कॉल, और यहाँ पर बिल्कुल नीचे आपको मिल जाता है इंदिरा पॉइंट। तो कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट होगा? तो आंसर मिलेगा इंदिरा पॉइंट। उम्मीद है सबका आंसर सी आ रहा होगा, इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर। हाँ अंजलि जी बिल्कुल। चलिए तो अगर आपको कुछ ऐसे कमेंट होते हैं तो आप या तो वीडियो में, नहीं तो आप ज्यादा बेटर रहेगा कि आप मुझे कैसे कमेंट कर दीजिए, मुझे पर्सनल टेलीग्राम विंडो पर कमेंट कर दीजिए तो मैं ज्यादा बेटर आपको आंसर दे पाऊंगा। चलिए आंसर सी, उम्मीद है सबको पता चल गया होगा सी आंसर क्यों और किस लिए हमें मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, ये देखो यहाँ पर मिलता है आपको इंदिरा कॉल, मैंने दिखाया भी है यहाँ पर, ठीक ये रामेश्वरम है, ये कन्याकुमारी है, ये वाला पूरा पॉइंट जो मिलता है यहां पर मिल जाता है आपको इंदिरा पॉइंट, तो ये सबसे नीचे मिलता है। ठीक है, उम्मीद है सबको ये पॉइंट पता चल गया होगा। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा हमें मिलता है बताइए, कृत्रिम वर्षा के लिए? हाँ बिल्कुल, और टेलीग्राम रखा किस लिए है? बस इंडिविजुअली पूछ लें, क्योंकि ग्रुप में अगर आप पूछोगे तो ग्रुप में बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो आप ग्रुप पर भी डाल दीजिए और इंडिविजुअली भी कर दीजिए, जैसा भी मौका मिलेगा उस तरीके से आपको चीजें पता चल जाएंगी। अब बताइए क्या होगा आंसर? ओके चलो सी यहां पर बता रहे हैं तो देख लेते हैं, चलिए आंसर क्या है। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयुक्त होता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड के साथ ही हम क्या ऐड करते हैं, प्लस हम ऐड करते हैं ड्राई आइस। अब जरा मार्केट जाना और बोलना भाई साहब 1 किलो सूखी हुई बर्फ दे दो, क्योंकि ड्राई आइस को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है शुष्क बर्फ, हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, शुष्क बर्फ बोला जाता है, ड्राई आइस बोला जाता है। तो भैया ड्राई आइस का पता चला, अब बताओ ड्राई आइस होती क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए ड्राई आइस क्या होती है। लोरी सिंह जी, अब यार ये तो मैनेजमेंट का डिसीजन ही मैं बोलना चाहूंगा, उस पर तो मैं ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता, बताइए ड्राई आइस क्या होती है। चलो जी तो वेरी गुड, वो मेरे ख्याल से शाम को 7 या 8 बजे क्लास लेते हैं, इसी समय पर रहते हैं जितेंद्र कुमार। अभी तक दिवाली से पहले तक तो यही रूटीन था, दिवाली के बाद में इसी वजह से वो क्लास का उनका मिस हो रहा है, तो वो मैं नहीं कह सकता। और ड्राई आइस होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, उनकी क्लास शाम को 7 बजे चलती है। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप महेंद्र कोड यूज करिएगा या योर कोड यूज करिए आप एसपी मेहरा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। चलो कावेरी जल विवाद, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कावेरी जल विवाद क्या मिल जाता है, ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में आपको मिल जाता है, क्योंकि कावेरी नदी की अगर उत्पत्ति पूछा जाए तो कावेरी नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कर्नाटक से होती है, और कावेरी नदी का मुहाना कहाँ पर है, तो वो
तमिलनाडु में हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से दो राज्यों में ये नदी बहती है, तो दोनों राज्यों में उस नदी के पानी को लेकर के विवाद हमें मिलता है। ठीक, तो ये चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसके बाद। तो ये देखिए कावेरी नदी, तो मैंने आपको बताया कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु की ओर बहती है। ये उत्पत्ति वाला क्षेत्र है, और जहां नदी गिरती है उसे नदी का मुहाना यानी कि माउथ कहा जाता है, माउथ ऑफ रिवर। ठीक है, उसे नदी का मुहाना कहा जाता है, ये चीज याद रखते हुए चलना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद हम देख लेते हैं। तो गिरवन आसान सा क्वेश्चन है, तो इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। गिरवन कहाँ पर है, किस तरीके से है, इसको देखने के लिए गिरवन बहुत ही इजी हमें मिलता है। रिद्धि श्री, गुड इवनिंग रिद्धि जी, गुड इवनिंग। हाँ एल जी कर्नाटक की बात कर रहे हैं, वेरी गुड। गिरवन गुजरात में है, गिरवन कहाँ है, गुजरात में है। और ये किसके लिए फेमस है, ये एशियाई सिंह के लिए फेमस हमें मिल जाते हैं, एशियाटिक लायन के लिए फेमस है ये। ठीक है, टाइगर के लिए नहीं, लायन के लिए ये फेमस हमें मिलते हैं। चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। विश्व का सबसे ज्यादा समाचार पत्र वाला कागज, यानी कि वो कागज जिसमें समाचार पत्र ज्यादा छपता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो समाचार पत्र सबसे ज्यादा छपता है वो कागज हमें कहाँ से प्राप्त होता है ये बताना है। बताइए क्या मिलेगा इसका आंसर। चलो फिर इसके बाद आगे देखेंगे। हाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं, ये आपको मिलेगा डेसिडियस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन, कौन से, शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट। टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। मैंग्रोव वन नाव बनाने के लिए बड़े फेमस है, मैनग्रोव वन से क्या मिलता है हमें, नाव हमें मिल जाती है। ठीक है, रेन फॉरेस्ट वर्षावन किस लिए फेमस है, तो वर्षावन ध्यान रख लेना ये जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस है वर्षावन। वर्षावन किसके लिए फेमस है, बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस हमें मिल जाते हैं वर्षावन। क्लियर, तो ये चीज बिल्कुल याद रखते हुए चलिएगा आप सभी लोग। हाँ आंसर अलग रहता है। चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को फटाफट से लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं क्या बताता, हाँ ये सारी चीजें मैं बताता, मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरी वन इनको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला प्रश्न, बच्चों के साथ गतिविधियां करना तभी प्रभावी होगा जब शिक्षक को नहीं पता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। अरे यार ये बड़ा ही बढ़िया आंसर है, ए टिक करो मजा ही आ जाएगा। शिक्षक उसे पाठ योजना पूरा करने के लिए संचालित करता है, गतिविधि आधारित सीखने के लिए शिक्षक उनके प्रमुख निर्देशों का पालन करने के लिए क्रियाकलाप के रूप में करता है, या फिर उनका मानना है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा को समझने में मदद करेंगी। बताइए, आपके कमेंट में देख रहा हूँ सामने ही, 11 का आंसर बता रहे हो डी डी। नीलू कह रहे हैं सर जी दिख नहीं रहा है हमें, और दिखाई देना चाहिए, ऐसा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, एक बार आप रिफ्रेश कर लो। तो आंसर बिल्कुल सही है, डी हमें मिलेगा। गतिविधि आधारित जो शिक्षा होती है ना, वो गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को सही प्रकार की अवधारणा को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, टू मेक चिल्ड्रन अवेयर
ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल अ टीचर कैन, क्या मिलेगा यहाँ पर? अलग अलग प्रकार के फ्यूल यानी कि ईंधन से अगर बच्चों को जागरूक कराना है तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? अब इसका आंसर भी आप देख लीजिए क्या होगा यहाँ पर, सोचिए जरा सा। तो बताइए आप, आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बिल्कुल ये हिंदी में मिलता है आपको, हिंदी में मिलता है आपको यहाँ पर। मानस राज ने बता दिया है, लोरी सिंह ने भी बता दिया, नीलू, ओके, ठीक, बिल्कुल मानस में देख चुका हूं, कुत्ते बिल्ली के साथ हमने डी भेजा है, बिल्कुल मुझे प्राप्त हो गया है। चलो तो आंसर बिल्कुल ठीक है, डी हम देखेंगे। हम देखेंगे जो भी संभावित ईंधन है ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे और उन ईंधन का प्रयोग किस प्रकार से होता है उस पर बच्चों को एक छोटी सी लघु फिल्म दिखाएंगे, शॉर्ट फिल्म दिखाएंगे, जिससे बच्चों को चीजें जल्दी समझ में आ गई है। अच्छा नीलू जी, नेट प्रॉब्लम? हाँ नेट प्रॉब्लम हो जाती है यार, उसका तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर मिलता है आपको, इसी प्रश्न को मैं हिंदी में भी दिखाऊंगा, इसी प्रश्न को मैं हिंदी में भी दिखाऊंगा, फिलहाल आप यहाँ पर इंग्लिश में देखते हुए चलिए। रिद्धिश्री मंतोष 12वें का तो आंसर हो गया है, 13वें का हम बात कर रहे हैं। लगता है फोन का मेरा जो रिसीवर है वो काफी स्ट्रांग है, लैपटॉप का रिसीवर, ठीक है, इसीलिए यहां से करीबन आधा किलोमीटर दूर की आवाज भी सुनाई दे रही है। वेरी गुड, चलिए अगला पॉइंट है। ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आप छात्रों को शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? बताइए आंसर क्या होगा। चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा उठाए गए भोजन का पता लगाने की कोशिश करें, चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें इकट्ठा करें जिनकी वे उम्मीद करते हैं, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना लेकर के जाएं, या चिड़ियाघर में जो कुछ भी देखते हो उसको खींचने के लिए अपने ड्राइंग बुक अपने साथ लेकर के जाएं। बहुत सही जवाब, 13वें का आंसर सी हमें मिल जाता है। 13वें का आंसर क्या मिलेगा? सी हमें मिलेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो इसीलिए इसके लिए 3 स्टार में यहाँ पर देता हूँ। चलो सी फॉर, अच्छा सी फॉर डिफॉल्ट चल रहा है मानस, वेरी गुड। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्या होगा यहाँ पर, पढ़ो फिर से। हाँ पढ़िए फिर से आराम से, मैं आपको पढ़ने का समय दे रहा हूं और उसके बाद मैं अगला प्रश्न अगली चीजें भी स्टार्ट करूंगा। चलो जी, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे हिंदी में, इसको देखते हैं। जो लोग हिंदी में इंतजार कर रहे थे, इंतजार खत्म हुआ, हिंदी में इसको देखते हैं कि क्या इसका होने वाला है आंसर। फोर्टीन का ए, ईवीएस में सरल प्रयोग और प्रदर्शन क्यों किए जाते हैं? तो प्रयोग और प्रदर्शन किए जाते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सही जवाब है ए, ठीक है। क्या है सही जवाब? कि हम चर्चा करेंगे, छात्रों को उठाए गए प्रश्न के आधार पर टिप्पणी और विश्लेषण करेंगे। तो भैया प्रयोग करने का मतलब क्या होता है? समझो बात को, समझो बात को कि प्रयोग और प्रदर्शन किए जाते हैं, इससे क्या होगा? कोई है जिसने आंसर सही बताया? कोई है जिसने आंसर सही बताया? देखूं जरा यहाँ पर, ए या सी? प्रयोग कर रहे हैं तो इससे बच्चे स्वयं सीखने और अवलोकन कौशल को तेज करने में सक्षम होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है स्वयं सीखना, ठीक है। प्रयोग और प्रदर्शन किए जाते हैं विचारों पर चर्चा करने के लिए, छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के आधार पर टिप्पणी को रिकॉर्ड और विश्लेषण करने के लिए,
नहीं, प्रयोग क्यों कर रहे हैं? बच्चों में रुचि जागृत करने के लिए, बच्चों में जिज्ञासा जगाने के लिए, बच्चों में स्वयं करके सीखने को प्रोत्साहन देने के लिए। समझ में आ गया पॉइंट? हाँ, जिन्होंने सी दिया था उनके लिए यार बहुत बढ़िया, जो गड़बड़ कर गए, थोड़ा सा चूक गए, ए और सी में कंफ्यूज हो गए, उनके लिए यहाँ पर ये बातें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ना? यहाँ पर नीलू आर्य ने बता दिया, और इससे पहले हमारे पास कौन थे? हाँ, इससे पहले हमारे पास मानस राज भी थे। तो राज जी, समझ में आ गया? ठीक, आंसर क्या मिलेगा हमारे पास? सी मिलेगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्या होगा, पढ़िए बड़े आराम से, धैर्य और शांति के साथ, फिर आंसर देखेंगे क्या होगा। चलो तो आंसर देखते हैं। तो आंसर है बी, सामाजिक गतिविधि के रूप में। आंसर क्या मिलेगा आपको? बी आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पिंकी ओझा भी आ चुके हैं, समूह चर्चा, समूह परियोजना, ये क्या मिलता है? एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखने की हम बात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए क्या इसका आंसर होगा। ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? एक मिनट। हाँ चलो, तो शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या मिलता है हमें? बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब बी की तरफ को चले, बी फॉर बैलून मानस ने भेज दिया। तो छात्र को प्राथमिक अनुभव प्रदान करना, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की यहाँ पर हम बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की, छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कर सके हम। छात्रों को क्या प्रदान कर सके? प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कर सके, ये हमें प्रमुख उद्देश्य मिलता है, ये हमें मूल उद्देश्य मिलता है। बाकी इसके अलावा छात्रों को घुमाने के लिए लेकर के जाना, सामाजिकरण की भावना को, टीम वर्क को भी प्रोत्साहन देता है। अगला पॉइंट देखेंगे, लेंथी क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर बताएंगे यहाँ पर क्या होगा। चलो तो आंसर, बिल्कुल बोला, जानवरों पर सिखाने के बाद हम बच्चों को चिड़ियाघर लेके जा रहे हैं, तो इसका मेन मकसद क्या हो जाता है? सी कि हम क्या करेंगे? सह शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे। हम जो स्कूली, जो एनसीएफ 2005 का थीम, एनसीएफ 2005 का जो मेन टारगेट है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ठीक, तो यही कह रहा है कि किसको किससे जोड़ दिया जाए, वो यही कह रहा है कि हमारे एनसीएफ 2005 स्कूल लाइफ ये कनेक्ट हो जाए आउटर लाइफ, बाहरी शिक्षा से। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, अब आपने देखा ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्या रखी है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, बड़ी चर्चा हो रही थी इस पर। ठीक है, तो उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सिक्स क्लास में क्या बोला गया? बोला गया सिक्स क्लास में बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। सिक्स क्लास में बच्चों को क्या दिया जाए? वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, ये बोला गया यहाँ पर। ठीक
ठीक है, तो क्यों बोला गया, क्योंकि हम स्कूल के जीव स्कूल की शिक्षा को बाहरी शिक्षा से जोड़ने की ऑलरेडी बात कर रहे हैं, ऑलरेडी उस पर बात चल रही है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, बताइए बताइए क्या है ये। ऐसा ही एक प्रश्न मैंने आज सुबह जो मेरे दोस्त जुड़े थे मेरे से स्पेशल क्लास अनअकैडमी स्पेशल क्लास में, उनको मैंने बताया था, उनसे बात हुई थी, तो कुछ डिफरेंस क्रिएट करने की बात चल रही थी वहां पर, तो वही डिफरेंशिएशन की बात हम कर रहे हैं। चलो तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आंसर बच्चों से क्या बोला, बच्चों से बोला कि चतुर्थ कक्षा बच्चों लोग, पुराने लोगों से पूछो, बुजुर्ग लोगों से पूछो, क्या ऐसे पौधे देखे हैं जिस समय पर वो युवा थे और इन दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इससे कौन सा कौशल विकसित होता है। तो बिल्कुल ठीक है, पूछना है ना, पूछना है ना, पूछने से मतलब क्या होगा, पूछने का मतलब है प्रश्न करना, और प्रश्न करना मतलब क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलो क्या हो गया यहाँ पर। तो अनीता जी बिल्कुल ठीक है, कोई भी पढ़ने आए तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं, इसमें कोई हो भी नहीं रहा है। निम्नलिखित में कौन से कौशल का आकलन करना, अच्छा संभावना नहीं है पूछ रहा है, अरे भैया बात ठीक है, नॉट पूछा है, बोला कि कौन सी संभावना नहीं है, तो संभावना कौन सी नहीं है, प्रयोग एक्सपेरिमेंट की बात चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल 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 ठीक है, चलो तो बिल्कुल ठीक है, विचार विमर्श भी होगा यहाँ, पूछताछ भी होगा यहाँ पर, अभिव्यक्ति भी होगा, क्योंकि जब आप पूछोगे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, आप उनसे पूछोगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट कौशल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट कौशल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 को मैं ठीक कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 को मैं ठीक कर देता हूँ, नहीं पूछा है तो इसीलिए आंसर भी हमें नहीं में ही देना देना है। 15 नहीं है क्वेश्चन, कितना है, ओके सत्रह नंबर क्वेश्चन है। चले भाई वापस चलते हैं, आंसर उम्मीद है सबको समझ में आ चुका होगा। ओके क्या बात है यहाँ पर, माइनस, वेरी गुड। तो देखो समझ लो इस चीज को, इस प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का कार्य नहीं है, अब बताइए मूल्यांकन का कार्य कौन सा नहीं है, प्रयोग किस प्रकार से होगा ये बताओ जरा, विचार विमर्श, पूछताछ, अभिव्यक्ति, ये तीनों कौशल हमें मिल जाते हैं, प्रयोग एक्सपेरिमेंट है, और जब हम किसी भी से भी कोई प्रश्न पूछते हैं तो वहां पर प्रयोग नहीं करते, हम एक तरीके से चेकलिस्ट ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चनिंग की बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रयोग की कोई चर्चा बहुत ज्यादा होगी। 18 नंबर क्वेश्चन का, कोई बात नहीं, कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग खुद को एकलव्य समझते हैं, हम बोलते हैं हम चुपचाप दूर से बैठ कर सब कुछ सीख लेंगे, हम बोलेंगे नहीं। चलो मूल्यांकन का काम कौन सा नहीं होता, मूल्यांकन का काम कौन सा नहीं होता है, आंसर बिल्कुल ठीक है, इसका काम नहीं है भविष्यवाणी करना, इसका काम नहीं है भविष्यवाणी करना, बिल्कुल 18 का सी है, मंतोष ने आंसर दे दिया है, मानस राज ने भी आंसर बता दिया है। तो आंसर प्रिडिक्शन है, भविष्यवाणी करना इसका आंसर नहीं है। अगला पॉइंट देखेंगे, ईवीएस कक्षाओं, प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, बताओ, एक बार क्वेश्चन पढ़ो आराम से और फिर उसका आंसर दीजिए, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए आराम से, क्या होगा यहाँ पर।
बताइए आंसर क्या होगा इसका। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर जब हम देखेंगे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। डी ऑप्शन, ठीक, ए और बी दोनों। मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चों में अवधारणा, विचारों की प्रगति, कितना उन्होंने सीखा इसका मूल्यांकन करना, और बी क्या बोल रहा है, प्रक्रिया कौशल के विकास का आकलन करना कि प्रक्रिया किस तरीके से बच्चे सीख रहे हैं, क्या वो प्रक्रिया सही है, जिस तरीके से हम बच्चों को सिखा रहे हैं क्या सही तरीके से सिखा पा रहे हैं। तो इसीलिए आंसर क्या मिलेगा, डी ऑप्शन मिलेगा, ए और बी दोनों। ठीक, अगला प्रश्न हम इसके बाद देखने वाले हैं। दीक्षा जी चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर टूल एंड टेक्निक ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर में ईवीएस में मूल्यांकन के उपकरण और तकनीकें कौन सी हैं। बताओ यहां पर क्या होगा, बताइए आंसर क्या मिलेगा हमारे यहाँ पर। झा जी ने बता दिया आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। पूजा शुक्ला बता रहे हैं सी। तो देखो छोटे बच्चों में कंसेप्ट की थ्योरी नहीं आएगी तो फोर्थ नंबर तो वैसे ही हट जाएगा, तो फोर्थ नंबर हट गया, ऑल ऑफ द अबव हट गया। अब बचा फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी सेकंड एंड थर्ड। सेकंड फील्ड ट्रिप, स्थानीय दौरा और पत्रिका लेखन, और फर्स्ट एंड सेकंड परियोजना कार्य और स्थानीय दौरा। तो पत्रिका लेखन भी मुश्किल है बच्चों के लिए, इसीलिए आंसर क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आ जाएगा सी। की छोटे बच्चों से हम आंसर नहीं दिया, दे रखा है छोटे बच्चों से हम ये काम करवाएंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया दीक्षा पाठक, चलिए मानस ने बता दिया है, पिंकी ओझा जी, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए। कल्पना कौन, कल्पना। अब भैया कल्पनाओं में मत खो जाना कि कल्पना कौन, याद करो कि यार कॉलेज में थे या फिर स्कूल में थे। नहीं, कल्पना मतलब इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेशन इन एजुकेशन। क्या है ये, इमेजिनेशन इन एजुकेशन, बताइए क्या होगा। इमेजिनेशन इन एजुकेशन एड्स टू क्रिएटिव, सृजनात्मकता में सहायक होती है, भाषण कौशल में सहायक होती है। अरे वाह क्या बात है, टॉपर थी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अविनाश, तो वही वाली बात होगी, बात हो गई कि शर्मा अंकल की बेटी को देखो वो टॉप कर गई है और तुम फेल हो गए हो। तो लड़का क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हाँ उसी को ही देख रहे थे, इसलिए क्या हो गए, फेल हो गए। कल्पना का शिक्षा में क्या स्थान है, तो बिल्कुल ठीक है, वो सृजनात्मकता में सहायक होती है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। 21वें का आंसर ए हमें मिल जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न तो देखेंगे लेकिन आंसर तो साथ ही साथ आ रहे हैं ना। चलो रुको 1 मिनट, हम आंसर भी ठीक कर देते हैं। इक्कीस के बाद चलो अगला प्रश्न आप पढ़ो। हाँ 22 नंबर क्वेश्चन, लवण जो जल को अवशोषित कर लेता है, मतलब ऐसा तत्व जो पानी को सोख लेता है उसको क्या कहा जाता है, ऐसा तत्व जो पानी को सोख लेता है उसे क्या कहा जाता है, बताइए क्या इसका आंसर होगा।
तो चलो इसका आंसर हमारे पास मिल जाता है ए, हाइड्रोस्कोपिक सॉल्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या मिलता है हमारे पास, हाइड्रोस्कोपिक सॉल्ट कहा जाता है इसे। ठीक, क्लियर, एलजी ने ये बताया है, बिल्कुल बढ़िया बात। इसका एग्जाम्पल आप लिख लो, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो NaCl, यानी कि साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जो है उसको हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्कोपिक सॉल्ट आया हुआ प्रश्न मिलता है ये हमको यहाँ। अगला, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश की गई थी। चलो आपने ये देखा, इसके बाद मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं एप्लीकेशन पर क्विज भी करवाऊंगा, क्विज के लिए तैयार रहिए। टेलीग्राम चैनल पर मैंने लिंक सेंड कर दिया है, उम्मीद करते हैं कुछ ज्वाइन कर रहे होंगे, कुछ इंतजार में होंगे। अभी तक मुझे लगता है हाँ 3 ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलो आंसर देखेंगे इसके बाद, आंसर क्या होगा इसका, हाइड्रोस्कोपिक सॉल्ट के बाद। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता कमेटी, पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंध मिलती है, बलवंत राय मेहता कमेटी से संबंध मिलती है। आंसर बी इसका है, बलवंत राय मेहता समिति कब की है, सॉरी 1500 नहीं, 1900 कब की है ये, 57 में इसका गठन हुआ था, 1957 में इसका गठन होता है, और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से क्या शुरू हो जाता है, नागौर से पंचायती राज का उद्घाटन हो गया। ठीक, नागौर से पंचायती राज का उद्घाटन हो गया, ये चीज ध्यान रखना। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं, तो कितने लेवल पर पंचायती राज व्यवस्था मिलती है हमें, कितने स्तर में पंचायती राज व्यवस्था हमें मिल जाती है। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर हमें मिलती है, तो आंसर हम देखेंगे इसका, बिल्कुल ठीक है, वो है 3 स्तर पर हमें पंचायती राज व्यवस्था मिलती है। 3 स्तर कौन सा, आप देखते हो ग्राम स्तर पर मिल जाती है, ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर पर मिल जाती है, और फिर जिला स्तर पर मिल जाती है। ठीक है, तो मंडल परिषद और जिला पंचायत जिसको हम बोलते हैं, तो 3 स्तर क्लियर हो गए यहाँ पर, वेरी गुड। अगला, स्टैगलटाइट और स्टैगलमाइट। ठीक है, तो स्टैगलटाइट और स्टैगलमाइट किस कहाँ पर मिलते हैं और किसके जमने से ये बनते हैं, स्टैगलटाइट और स्टैगलमाइट कहाँ पर प्राप्त होते हैं बताइए, आंसर क्या होगा, ये कहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं स्टैगलेटाइट स्टैगलमाइट, किस जगह पर प्राप्त हो रहे हैं। और क्वेश्चन ये भी है कि किसके जमने से बनते हैं, तो जमाव तो आपने यहाँ पर बता दिया है, जमाव हाँ धीरज कुमार ने बताया है, रिद्धिश्री भी C24 का बता रहे हैं, बिल्कुल, कैल्शियम कार्बोनेट के जमने से बनती है, किसके जमने से, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कहाँ पर मिलते हैं, तो ध्यान रख लेना, ये चूना पत्थर की चट्टानों में प्राप्त होते हैं, चूना पत्थर की चट्टानों में ये हमें मिल जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम देखेंगे, तो अगला प्रश्न नहीं है, अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोग आप क्या देख लीजिए, एप्लीकेशन पर क्विज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, टेस्ट 19 हमें मिल जाता है, और इसका कोड भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, इसका कोड भी मैं आपको बता देता हूं, उससे पहले ही आप क्या कर दीजिए, 3125577। अब मैं अपना फोन आपके लिए विजिबल करता हूं, अब मैं अपना फोन आपके लिए विजिबल करता हूं, उससे पहले आप लोग फटाफट से जो टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम पर क्या कर लीजिए, क्विज ज्वाइन कर लीजिए। मैं फोन आपको अब विजिबल कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरा फोन है, ये आप लोगों के लिए आ चुका है, विजिबल हो चुका है, ये है क्विज जो आप लोगों को ज्वाइन करनी है, अभी कनेक्टिंग ही चल रहा है।
चलो तो जब तक ये नहीं मिलता तब तक हम यही देख लेते हैं। ठीक है, हाँ आप लोग फटाफट कुछ ज्वाइन कर लीजिए। क्विज आपको मिलेगा 3125577 से। फटाफट सभी लोग क्विज ज्वाइन करते हुए आइए, फटाफट इम्पोर्टेंट है क्विज। तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। ओके, मानस राज एप्लीकेशन की अगर मैं बात कराऊं तो देखो मेरा फोन तो आपके लिए अभी विजिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप अनअकैडमी एप्लीकेशन पर जाइए, मैं आपको यूट्यूब से गाइड करना स्टार्ट करता हूँ। आप अनअकैडमी एप्लीकेशन पर जाइए। अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते ही आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, जो आएगा TET। गोल सेलेक्ट करने के बाद ये फर्स्ट स्टेप मिलता है। सेकंड स्टेप में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हिंदी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप अगर क्लियर करते हैं, गोल सेलेक्ट कर लेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप क्या कर लेंगे, आप उसके बाद फिर प्लस सब्सक्रिप्शन पर, यानी कि आपके मोबाइल के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर तीन लाइन मिलेंगी। इनको आप अगर क्लिक करेंगे तो एक विंडो, एक स्लाइड ओपन हो जाएगी, जिस पर आपको प्लस पर क्लिक करना है। और जैसे ही प्लस पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको एक टेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। ठीक है, उस टेस्ट के ऑप्शन पर जाते ही आप इसको कर लीजिए। या फिर एक सिंपल तरीका मैं बताऊं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अभी, @MahendraSir02, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, और MahendraSir04 भी ज्वाइन करना। तो यहाँ पर मैंने इसका पूरा लिंक सेंड किया हुआ है, उस लिंक में आपको क्लिक करना है और आप ज्वाइन कर लेंगे इस कोड के द्वारा टेस्ट को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत बढ़िया मानस राज, वेरी गुड। चलो, तो मेरे ख्याल से काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अब मैं टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। जो दोस्त लोग अभी भी मेरे पास टेलीग्राम, ये व्हाट्सएप पर जुड़े जुड़े हुए हैं, हाँ बिल्कुल, वो जल्दी से क्या कर दीजिए। पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? आंसर बिल्कुल ठीक है, हरी पत्तियां। सबमिट करेंगे आंसर को, आंसर क्या है, हरी पत्तियां, ग्रीन लीव्स की हम बात कर रहे हैं। और जो टेलीग्राम में जुड़े, जो अभी भी मेरे पास यूट्यूब पर जुड़े हैं, उनको ये कहना चाहूंगा कि आप क्या करिए, तुरंत ही चैनल सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर करते हुए जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अगला पॉइंट हम देखेंगे। तो बोल रहा है, बहुत गर्म जगहों पर कौन सा घर हमें मिलता है? तो मिट्टी, छप्पर या शाखाओं का बना हुआ घर हमें मिल जाता है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। चलो, तो आप अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोला काली दोमट मिट्टी सबसे मसालों की खेती के लिए। हाँ, तो काली दोमट मिट्टी बिल्कुल। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे, न्यूनतम स्तर 4 PPM हमें मिल जाता है किसी भी मछली के किस पर होने पर, किसी भी मछलियों के पानी में रहने के मिनिमम जो स्तर मिल जाता है वो 4 PPA हमें मिल जाता है।
चलो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर। एक कक्षा 5 का एक शिक्षक है, एल्यूमिनियम की पनीर। ये क्वेश्चन आज सुबह मैंने एप्लीकेशन पर काफी डिटेल में इस पर चर्चा की है, ठीक है। सुबह एप्लीकेशन पर काफी डिटेल में मैंने इस पर चर्चा की है, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं, अभी कुछ 10-11 क्वेश्चन हम अभी लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को आप करते हुए या आपके लिए मैं छोड़ के चला जाऊंगा। परिचर्चा या हमें मिल जाता है, क्योंकि यूट्यूब पर कनेक्ट नहीं हो रहा है मेरा फोन अभी लैपटॉप से, वही मैं चेक कर रहा था। चलो नेक्स्ट पॉइंट, दुनिया की पहली लो फ्लोर पैसेंजर ट्रेन जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल द्वारा चलती है वो बिल्कुल कोरियोडा आइलैंड हमें मिल जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। चलिए तो ये टॉप 5 क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं, तो अब आप क्विज कंटिन्यू करिए और साथ ही साथ अनअकैडमी एप्लीकेशन मुझे फॉलो करते हुए चलिए। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को बिल्कुल से लाइक और शेयर करते हुए जरूर चलिएगा, अपने दोस्तों के संग सेशन को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।